सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 33rd, और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो स्क्रीन पर, और अब देख लेते हैं सबसे पहले इंडिकेशन। तो गाइस, ये है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है पहचान, कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का है या कोई और सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको जाना है सेंटेंस के लास्ट में, ये रहा यहाँ पे लास्ट, और इसको देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये शब्द लगे होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल के जरिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माँ खाना बना चुकी होगी, तो आप इस सेंटेंस के लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ चुकी होगी, और इंडिकेशन में भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है चुकी होगी। तो इस तरीके से आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ, उसने खाना खा लिया होगा। अब इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए लिया होगा लिखा हुआ है, यानी कि या होगा, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है या होगा, यानी कि आप तुरंत समझ गए कि ये सेंटेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस की होती है विल हैव, शैल हैव, और शैल हैव लगाते हैं हम आई और वी के साथ में, बाकी सभी के साथ में हम लोग लगाते हैं विल हैव, चाहे वो यू हो, दे हो, या ही हो, सी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन आई और वी के साथ में लगाते हैं शैल हैव, और बाकी सब के साथ में लगाते हैं विल हैव। और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन वर्ब, यानी कि वर्ब में हम लोग क्या लगाएंगे। तो वर्ब में लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और गाइस आपको बता देते हैं थर्ड फॉर्म आखिर होता क्या है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आखिर होता क्या है, अगर आपको पता है बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं जो आपका येलो में दिख रहा है वो थर्ड फॉर्म है। तो गो मीन्स होता है जाना, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, वहीं थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपको अच्छे से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना नहीं आता है या याद नहीं होता है, तो मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, तीन वीडियोस हैं, तीन वीडियोस की सीरीज़ है, आप उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस को। तो अब मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनको बनाने का बड़ा सिंपल सा रूल होता है, यानी कि मेकिंग रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसी रूल के जरिए हम सेंटेंस को बना लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जो भी चीज़ काम करती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो मेरे दोस्त ने खाना बना लिया होगा, तो खाना बनाने का काम किसने किया होगा, मेरे दोस्त ने। तो मेरा दोस्त जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, तो माई, इसके बाद में हम लिखते हैं फ्रेंड, तो माय फ्रेंड हो गया। इसके बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल हैव या फिर शैल हैव। तो आपको पता है कि आई और वी के साथ में हमें लगाना है शैल हैव, बाकी सब के साथ में लगाना है विल हैव। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं विल और इसके बाद में हैव। तो अब यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब जो होती है जो भी काम सेंटेंस में होता है, जैसे कि खाना, पीना, धोना, सुनना, तो इस सेंटेंस में हुआ है बनाना, यानी कि बनाना होता है कुक, मींस खाना बनाना होता है कुक मींस, तो कुक हम लिख लेते हैं। और इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कुक का थर्ड फॉर्म तो होता है कुकड, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस किया कुकड, तो माय फ्रेंड विल हैव कुकड, और लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है खाना यानी कि फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कुलदीप ने टीवी देख ली होगी। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस के जो मेकिंग रूल है उसी के जरिए बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेंटेंस में देख लेते हैं कुलदीप ने टीवी देख ली होगी, तो टीवी देखने का काम किया है कुलदीप ने। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कुलदीप, और ये सब्जेक्ट लिख गया। अब कुलदीप के हिसाब से आप लगाओगे विल हैव या शैल हैव, आपको पता है कि यहाँ पे लगाएंगे हम
विल हैव, तो हमने ये किया विल हैव। इसके बाद में यहाँ पे दो चीज़ें हमने कर ली, थर्ड है वर्ब का लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे है वर्ब है देखना, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वॉच्ड। तो और यहाँ पे हमने किया वॉच्ड, तो कुलदीप विल हैव वॉच्ड। इसके बाद में लास्ट में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, ये तीनों लगभग एक ही बात है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका समझते हैं। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना होता है कि आपको विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगाना होगा। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का सेपरेट वीडियो देखा हुआ है तो आपको इन वीडियोज़ को, यानी कि अब इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेपरेट वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप सेपरेट वीडियो देख लेते हैं तो कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर इसके बाद में नॉट, फिर हैव। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ये चीज़ लगाते हैं। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आपको पता है सब्जेक्ट सेंटेंस में है राकेश, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं राकेश, और उसके बाद राकेश के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हम लोग विल हैव। तो यहाँ पे सेंटेंस में लगा है नहीं, तो हम लोग लगा लेंगे विल नॉट, और इसके बाद में हम लोग लिख लेंगे हैव। तो सेंटेंस हो गया राकेश विल नॉट हैव। इसके बाद में अब हम आते हैं, यहाँ तक तो हो गया, अब आते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे है भेजना, तो भेजने का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, तो यहाँ पे हमने लगा दिया सेंट। इसके बाद में लगा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा किताबें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बुक्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी सेंटेंस बनाया हमारा राकेश विल नॉट हैव सेंट बुक्स। इसके बाद में आप देखते हैं दूसरा सेंटेंस, इसमें लिखा हुआ है अंकित सर ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई होगी। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो सब्जेक्ट आपको पता है कि अंकित हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अंकित और सर, अंकित सर, और इसके बाद में अंकित सर के हिसाब से लगेगा विल नॉट हैव, तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग विल नॉट और हैव। तो यहाँ पे ये हमने इतना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे वर्ब थर्ड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पढ़ाना होता है टीच मींस, और इसका थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो होता है टी ए यू जी एच और टी, तो यहाँ पे हो गया टॉट। तो अंकित सर विल हैव नॉट, विल हैव नॉट, विल नॉट हैव, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसका इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इंग्लिश। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं टू टाइप के, जिनमें शुरुआत में लगा होता है क्या, और दूसरा टाइप होता है जिनके बीच में लगा होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो जैसे कि आपको पता है ये सेंटेंस का मेकिंग रूल है विल और शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव और शैल हैव होती है, लेकिन आगे आया है सिर्फ विल और शैल, हैव जो है वो पीछे ही है। तो जैसे कि मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बताया था, जो सेपरेट वीडियो बनाए थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के, उसमें बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के दो या तीन पार्ट होते तो उसका सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट ही आगे जाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है या तीसरा पार्ट होता है वो पीछे ही रहता है। तो अगर आप सेपरेट वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा। और अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को। तो देखिए सेंटेंस को बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है, आप रूल को देखते जाइए और रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बना लीजिए। तो सबसे पहले देखिए लगाना है विल या शैल, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे विल या शैल। तो आपने देखा उसने, उसने का मतलब ही या फिर सी, तो ही या सी के साथ में हम लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने विल, ही और सी के साथ में लगाते हैं तो विल। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है उसने, यानी कि उसने की हम इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे विल ही। अब सेंटेंस हमारा थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है विल ही। अब इसके बाद में इस सेंटेंस में आप देखिए नॉट नहीं लगा हुआ है, यानी कि नहीं नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको नॉट को यूज नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे हैव, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैव। और इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पे
भुला दिया, यानी कि भुलाना होता है फॉरगेट, और फॉरगेट का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉट। तो यहाँ पे हमने किया फॉरगॉट। तो ये अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि चिल्ड्रन। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले चिल्ड्रन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या बना हुआ है, विल ही हैव फॉरगॉट चिल्ड्रन। क्या उसने बच्चों को भुला दिया होगा या फिर वो बच्चों को भूल चुका होगा, ये एक ही बात है। अब इसके बाद बनाते हैं ये वाला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या मुकेश ने तुम्हारा काम नहीं किया होगा। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इसी रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले विल या शैल, तो मुकेश के हिसाब से हम लोग लगाएंगे विल। तो अब हम लगाते हैं इस सेंटेंस में सबसे पहले विल, और इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए इस सेंटेंस का है मुकेश, तो हम लोग लिख लेते हैं मुकेश। तो हो गया विल मुकेश, और इसके बाद में नॉट। तो इस सेंटेंस में देखिए नहीं लगा हुआ है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे नॉट, और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे हैव। तो हैव जब हम यहाँ पे लगा देंगे, इसके बाद में बचता है थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, यानी कि काम करना। तो यहाँ पे डू द वर्क का थर्ड फॉर्म होगा डन द वर्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये तो काम करना है। अब यहाँ पे बीच में हमें लगाना है योर, यानी कि तुम्हारा। तो यहाँ पे हमने लगाया तुम्हारा। तो इस तरीके की सेंटेंस हमारा अभी फ़िलहाल में कंप्लीट हो चुका है। तो सेंटेंस हमारा बन के रेडी हुआ है, विल मुकेश नॉट हैव डन द सॉरी डन योर वर्क। यहाँ से द भी हटा देंगे, ये थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा है। यहाँ से सेंटेंस हमारा अब कंप्लीट सही से हुआ हुआ है। तो सेंटेंस हमारा बन चुका है विल मुकेश नॉट हैव डन योर वर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट सेकेंड। और इस सेंटेंस में जब बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा होता है, तो इस इनको हम कहते हैं कब क्यों कहाँ, वो कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्यों। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वाई। तो हमने लिखा है यहाँ पे वाई, इसके बाद में विल या सेल लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तुम्हारे के हिसाब, यहाँ पे उसने के हिसाब से हम लोग लगाएंगे विल। तो यहाँ पे हमने लिखा एक मिनट, ये यहाँ पे लिखा हमने विल, तो वाई विल। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, तो वाई विल ही। अब इसके बाद में नॉट इस सेंटेंस में लगा नहीं हुआ है, तो नॉट का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे अब हम हैव। और इसके बाद में अब लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है पीटना, और पीटने का होता है बीटन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीटन। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है योर ब्रदर, यानी कि तुम्हारे भाई को। तो यहाँ पे लिखते हैं योर, और इसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे ब्रदर। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस हमारा बना हुआ है वाई विल ही हैव बीटन योर ब्रदर। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ उसने कोचिंग कैसे पढ़ाई होगी। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो देखिए सेंटेंस को बनाने का यही तरीका है, इसी सेंटेंस के जरिए, इसी रूल के जरिए हम सेंटेंस को बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो इस सेंटेंस में लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है कैसे, तो इसकी हम इंग्लिश लिखेंगे कैसे की इंग्लिश लिखेंगे हाउ। अब हाउ के बाद में उन्होंने, तो सब्जेक्ट विल, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम लोग लिखते हैं विल या सेल। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग लिखते हैं विल या सेल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने के हिसाब से यहाँ पे हम लगाएंगे विल। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, उन्होंने, उन्होंने के इंग्लिश होगी दे, तो हाउ विल दे। और इसके बाद में लगाएंगे हैव, क्योंकि नॉट यानी कि नहीं इस सेंटेंस में लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैव। और इसके बाद में लिखेंगे ये हैव तो लिख दिया है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो यहाँ पे हमने लिखा टॉट, और इसके बाद में लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोचिंग, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोचिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन करके कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हाउ विल दे हैव टॉट कोचिंग।
तो गाइस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी आपको करना है प्रैक्टिस। तो जो भी आपको सेंटेंस समझ में आता है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है, उसी सेंटेंस को आपको बनाना है इंग्लिश में। और इसके अलावा गाइस आपको प्रैक्टिस ज़रूर ही करनी है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।